गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामो द लर्निंग ऐप। आज हम आपको 9 और 10 मार्च के कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे उनके बारे में और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मुख्य बिंदु हम आपको बताएंगे। और स्टूडेंट्स, आजकल करंट अफेयर के क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर की तैयारी के लिए आप हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उन्हें भी मदद मिल सके। और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रामनाथ कोविंद ने जगदीश मुखी को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया, वो कहाँ के राज्यपाल का पद भी संभाल रहे हैं? इसके ऑप्शन हैं आंध्र प्रदेश, मणिपुर, असम, मेघालय। इसका सही उत्तर है असम। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। मिजोरम के राज्यपाल कुमनम राजशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। श्री कोविंद ने प्रो जगदीश मुखी को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी मिजोरम के राज्यपाल के पद की नियमित व्यवस्था होने तक इस पद का प्रभार संभालेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किसे अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं पद्मा लक्ष्मी, प्रियंका चोपड़ा जोनास, कमला हैरिस, इंद्रा नुई। इसका सही उत्तर है पद्मा लक्ष्मी। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अमेरिकी टेलीविजन हस्ती और फूड एक्सपर्ट पद्मा लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नई सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। वो असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई और वंचितों को सशक्त बनाने की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास और लक्ष्यों के प्रति समर्थन जुटाने का कार्य करेंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के आदिवासी बहुल जिलों के प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस प्राचीन आदिवासी भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया है? इसके ऑप्शन हैं गोंडी, कुई, मुर्मी, बोडो। इसका सही उत्तर है गोंडी। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन आदिवासी भाषा गोंडी मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में पढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के आदिवासी बहुल जिलों के प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में गोंडी को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या में तेजी से आई गिरावट चिंता का विषय है और इसे विलुप्त होने से बचाने की जरूरत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सऊदी अरब में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं औसाफ सैयद, अहमद जावेद, इशरत अजीज, तलमीज अहमद। इसका सही उत्तर है औसाफ सैयद। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। औसाफ सैयद को सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वे वर्तमान में कहाँ के उच्चायुक्त हैं? वर्तमान में सेशेल्स गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त हैं। वह अहमद जावेद की जगह लेंगे जो दिसंबर 2015 से सऊदी अरब में राजदूत के रूप में सेवा कर रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस मंदिर के लिए गलियारे और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया? इसके ऑप्शंस हैं कांची कैलाशनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जगन्नाथ मंदिर। इसका सही उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिर। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में गलियारे और सौंदर्यकरण की आधारशिला रखी। यह मंदिर गलियारा सभी मंदिरों और उनकी सुरक्षा व रक्षा के लिए आदर्श होगा। इस गलियारे के मॉडल को तैयार करते समय हमारे शास्त्रों में उल्लिखित सभी नियमों, मानकों और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2019 में लॉन्च किए गए GIS आधारित मैपिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ई भूमि, ई पृथ्वी, ई धरती, ई गगन। इसका सही उत्तर है ई धरती। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ई धरती ऐप लॉन्च की गई जो एक नई ऑनलाइन प्रणाली है जहां सभी तीन मुख्य मॉड्यूल यानी परिवर्तन, प्रतिस्थापन और दाखिल खारिज को ऑनलाइन किया गया है। लोग अब LNDO वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ई धरती जियो पोर्टल का अन्य
महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जिस पर एल एंड डी ओ के काम करना शुरू किया है, जो जीआईएस आधारित 65,000 संपत्तियों की मैपिंग पर आधारित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुरेश प्रभु द्वारा जारी पुस्तक का शीर्षक क्या है, जो 2018 के दौरान नागरिक उड्डयन क्षेत्र में की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। इसके ऑप्शंस हैं क्रूजिंग न्यू हाइट्स, फ्लाइंग फॉर ऑल, वंडर विंग्स, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, फ्लाइंग हाई। इसका सही उत्तर है क्रूजिंग न्यू हाइट्स, फ्लाइंग फॉर ऑल। आइए इसके मुख्य बिंदु पर और बढ़ते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कॉफी टेबल बुक क्रूजिंग न्यू हाइट्स, फ्लाइंग फॉर ऑल जारी की। यह प्रकाशन 2018 के दौरान नागरिक उड्डयन क्षेत्र में की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। यह पुस्तक ड्रोन इकोसिस्टम, रोडमैप, ग्रीन एविएशन पॉलिसी, विमानों के वित्त पोषण और पट्टे पर देने के लिए रुपया रफ्तार जैसी विभिन्न नवीन नीतिगत पहलों को सामने रखती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संकलन का शीर्षक क्या है, जो अरुण जेटली द्वारा जारी किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं वसुधैव कुटुंबकम, नमो, सबका हाथ सबका विकास, मोदी की वाणी। इसका सही उत्तर है सबका साथ सबका विकास। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी हमारे पीएम मोदी जी के चुनिंदा भाषणों का संकलन का शीर्षक सबका साथ सबका विकास है, अरुण जेटली द्वारा जारी किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन द्वारा प्रभाग द्वारा 5 उपखंडों में प्रकाशित संकलन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया गया था। इन पुस्तकों में देश के सभी नागरिकों को एक दृष्टि से देखने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने खान सुरक्षा महानिदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके ऑप्शंस हैं न्यूमॉन्ट माइनिंग, सिमट्रार्स, ट्रियोटिन नटो, बिलिटिन। इसका सही उत्तर है न्यूमॉन्ट माइनिंग। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय और सेफ्टी इन माइंस टेस्टिंग एंड रिसर्च स्टेशन के एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। व्यावसायिक सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान साझा करने की व्यवहार्यता और कई अन्य सहित अवसरों की खोज की जाएगी। सिमटार्स क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया सरकार के तहत एक प्रमुख प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में मंत्रिमंडल समिति ने कीरू पन बिजली परियोजना की निर्माण के लिए एक निवेश की मंजूरी दी है। इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर में कीरू पन बिजली परियोजना के निर्माण हेतु निवेश करने को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है और इसे अनुमानित लागत 4,287.59 करोड़ रुपए के कार्य निमित्त किया जाएगा। परियोजना को रन ऑफ रिवर योजना के रूप में परिकल्पित किया गया, जिसे सिंधु जल संधि 1960 की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2019 को नई दिल्ली में कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 प्रस्तुत किया गया। इसके ऑप्शंस हैं 24, 34, 44, 54। इसका सही उत्तर है 44। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2019 को नई दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार 2018 प्रस्तुत किया। नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस वर्ष मंत्रालय द्वारा प्राप्त लगभग 1,000 नामांकन में से 44 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने मार्च 2019 में चीन में अपना तीसरा आईटी गलियारा कहाँ शुरू किया है। इसके ऑप्शंस हैं डालियान, गुयांग, जियांगसू, शेडोंग। इसका सही उत्तर है जियांगसू। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं।
भारत ने चीन में अपने तीसरे सूचना प्रौद्योगिकी गलियारे की शुरुआत की, जो भारतीय और चीनी कंपनियों के बीच साझेदारी को सुगम बनाएगा। आईटी गलियारे को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ और चीन के शुझोऊ शहर के चियांगसू प्राप्त द्वारा विकसित किया गया है। अन्य दो आईटी गलियारे चीन के डालियान और गुईयांग शहरों में हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औपचारिक भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी? इसके ऑप्शन हैं टोक्यो, बेंगलुरु, नई दिल्ली, क्योटो। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। औपचारिक भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता नई दिल्ली में 8 मार्च 2019 को आयोजित की गई। इस वार्ता से दोनों देशों के बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित मंत्रालय और एजेंसियों को एक साथ लाने पर, संबंधित अंतरिक्ष नीतियों पर सूचना के आदान प्रदान का अवसर प्रदान हुआ। उनके अंतरिक्ष उद्योगों जैक्सा इसरो के वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी तट रेलवे का ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी किसे नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन हैं आशीष रेड्डी, एस एस श्रीनिवास, वी कृष्ण मूर्ति, एन एस विश्वनाथन। इसका सही उत्तर है एस एस श्रीनिवास। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। रेल मंत्रालय ने 8 मार्च 2019 को एस एस श्रीनिवास को साउथ कोस्ट रेलवे का ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया। भारतीय रेलवे क्रामिक सेवा अधिकारी एस एस श्रीनिवास दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य कामिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है और इसमें गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीजन शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर का अंतिम प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। कितने सार्वजनिक निजी और विदेशी बैंकों पर आरबीआई द्वारा 71 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसके ऑप्शन हैं 12, 24, 36, 48। इसका सही उत्तर है 36। आइए इसके मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई ने 9 मार्च 2019 को 36 सार्वजनिक निजी और विदेशी बैंकों पर 71 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना स्विफ्ट संचालन का समय सीमा पर कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण पर विभिन्न निर्देशों का पालन ना करने के लिए लगाया गया है। इन बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक और यस बैंक शामिल हैं। स्विफ्ट एक ग्लोबल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल वित्तीय संस्थाओं द्वारा लेन देन के लिए किया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 9 और 10 मार्च के। और डेली हिंदी और इंग्लिश करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे एग्जामो ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर हम आपको हर एग्जाम से रिलेटेड, जैसे SSC, CDS, टीचिंग एग्जाम, स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी के लिए ई बुक भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जल्दी से जल्दी एग्जामो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कीजिए। धन्यवाद।